मिर्चा बनाते हो उस वजह मजे लगे। हाँ मज़ेदार कमाल की, बहुत यमी और बहुत मज़ेदार। जी फ्रेंड, यहाँ से हम लेने आ गया जलेबी, और ये देखिए जी गर्मा गर्म जलेबी। मैंने कहा चले हम जलेबी लेते हैं बच्चों के लिए गर्म गर्म मुन्ना भाई के साथ। मैंने कहा कि यहाँ पे अच्छी जलेबी बनती है और खैर भी क्रिस्पी क्रिस्पी है सर्दियों के मौसम में। यहाँ पे जी मज़ेदार सी जलेबी हो रही है डैडी। सब्जी बनती है साढ़े घर कम है, मगर आस पास जो बनाती है ना तो मैं कहना सारिया कसर बाहर कर दें। मजा आता है, मैं कहना मजा ही आ जाता है। बस फिर हूँ गल है कि ये है जनाब आपकी चाय, सिर्फ आपका नुकसान एक हुआ है मलाई का। दूध के ऊपर जो मोटी मोटी मलाई आनी थी ना वो नहीं आई। मैं ही नहीं, क्योंकि आम अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरान भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक साहब के दिल की ख्वाहिश पूरी करे। जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती और शफा दे, जो लोग भी औलाद हैं अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे। जो बेटी की ख्वाहिश रखते अल्लाह पाक उनको बेटी दे, जो बेटे की ख्वाहिश रखते अल्लाह पाक उनको बेटा दे। अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे। आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान हैं अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे। जो लोग बच्ची और बच्चों के रिश्तों से परेशान हैं अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे और सब बच्चों के मुकद्दर अच्छे करे। आमीन। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरी यार फैमिली के लिए लव यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सही दुआएं। अल्लाह पाक सबका खुश आबाद हंसता और मुस्कराता रखे, अपनी फिजा अमान में रखे। तो जी फ्रेंड्स, सभी ने माशाल्लाह बहुत प्यारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारा प्यार होता है, बहुत सारी दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, माशाल्लाह हमारे लिए प्यार करते हैं, दुआ करते हैं, खुश होते हैं, हमारी फैमिली को देख के खुश होते हैं। माशाल्लाह दुआएं निकलती हैं आपके मुँह से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये आपकी आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है हमारे लिए, तो दिल से बहुत खुशी होती है। माशाल्लाह ऑल फैमिली के लिए थैंक यू। और सभी फ्रेंड्स ने सैम मिर्ज़ा के लिए दुआ करनी है। सैम मिर्ज़ा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती शफा दे। अल्लाह पाक उनके अबू को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी फैमिली मेम्बर में जो कोई बीमार है अल्लाह पाक सबको शफा दे। आमीन। थैंक यू मेरी प्यारी फैमिली। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगता है सारे सारे कमेंट्स पढ़ के। और बस यहाँ पर जी मैं रेडी हो गई हूँ सैलून में जाने के लिए। कामरान साहब को मैंने नहीं जगाया, क्योंकि वो मैंने कहा वो जितना होगा रेस्ट कर लेंगे तो ठीक है उनके लिए। जब वो माही निकलते हैं तो उनको हो जाती है खांसी स्टार्ट। तो बस मैंने अपनी तैयारी वगैरह कर ली और मैंने बनवाई रखी हुई है चाय किचन में, तो थोड़ी सी चाय पीते हैं तो चलते हैं। तो जी यहाँ पे मेरी चाय रेडी है, तो चलो जी चाय पीते हैं। और मुन्ना भाई को कॉल करती हूँ, बाइक लेके गए हैं वो, तो उसको कहती हूँ कि बाइक ले आए, तब भी मैं तब तक चाय पी लेती हूँ तब तक मेरी बाइक आ जाती है। तो जी फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ मुन्ना भाई। जी फ्रेंड फाइनली हम आप सो गए हैं पहुँच। यहाँ पे मैं कमेंट पा रही थी, ईश्वर नदीम का कमेंट आवा था, फर्स्ट टाइम कमेंट आ रही थी, कहती कि माशाल्लाह मैंने फर्स्ट टाइम आपको कमेंट किया, आपका व्लॉग देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और माशाल्लाह आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। थैंक यू ईश्वर नदीम, आपके प्यार का और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और बुशरा का कमेंट आया था, माशाल्लाह मेरी प्यारी सिस्टर बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कराता रखे। और बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं, उसने कहा कि अजान की विश बहुत अच्छी थी खाने पीने वाली, और माशाल्लाह सुबह की विश बहुत अच्छी थी, माशाल्लाह जो मम्मा पापा को प्यार करने वाली विश थी इसकी, तो अल्लाह पाक इसी से रास्ता और मुस्कराता रखे। थैंक यू मेरी प्यारी फैमिली के, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बुशरा का कमेंट आ रहा था, क्या हाल है भाई का, बस जनाब ठीक नहीं है, आज भी उनको मसला हो रहा था जब बाहर आते हैं बाहर निकलते हैं या जब भी बात करते हैं ना तो फिर उनको खांसी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो फिर मैंने कहा आज भी हम रेस्ट करें, तो फिर मैं मुन्ना भाई के साथ आ गई थी सिलाने में। कमेंट आया था आमना अनीस का, उसने कहा कि अल्लाह पाक आपको भी लंबी ज़िंदगी दे और कामरान भाई को भी लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आप दोनों का प्यार ऐसे ही सलामत रखे। आमीन। थैंक यू माशाल्लाह आपके प्यार का और मोहब्बत का लव यू हो गया आपके लिए बहुत सारा। और मेरी प्यारी सिस्टर का कमेंट आया था, भाई का कमेंट आया था, अदनान बुशरा का, माशाल्लाह उन्होंने बोला जब भी आप लाहौर आए थे मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह जी पता क्या टाइम नहीं मिलता, दो तीन डॉक्टर से चेकअप करवाना होता है, तो मैं इंशाल्लाह जी हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम आपसे मिले, और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद हंसता मुस्कराता रखे। और आप इस तरह की बातें ना किया करें,
बस ये कि बैठे बैठे विश बताना शुरू कर दी बच्चों ने अपनी अपनी, फिर हमने भी अपनी विश बतानी शुरू कर दी। वैसे मेरी तो काम है कि काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जो मिलती जुलती हैं, क्योंकि हमें सच्ची मोहब्बत है, हमें हमारे में ना सच्ची मोहब्बत है। अल्लाह पाक है इसी तरह हमारा प्यार कायम रखे, आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बुशरा अदनान, प्यारे प्यारे कमेंट्स का, प्यारी प्यारी दुआओं का और प्यारी प्यारी बातों का। थैंक यू आपके लिए, लव यू बहुत सारा। यहाँ पे मेरी प्यारी खुशबू का कमेंट आया था नादिया बाबर का, प्यारी बहना कहती कि आप भी प्यार करती हैं कामना भाई से, और मेरी प्यारी बहना आप माशाल्लाह बहुत अच्छी। थैंक यू नादिया बाबर, ये तो आपकी मोहब्बत आपका प्यार है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगी कामना से भी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, मौसम है तो हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। बाकी ये कि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, प्यारी प्यारी मोहब्बत है, प्यारी प्यारी बातें हैं। और नादिया बाबर कहती थी कि मैंने भी इसी तरह बच्चों से एक दिन पूछा, बच्चों को कहा कि आपकी बहना का ख्याल रखना, तो वो भी खुद रो पड़ी। बच्चे भी कहते हैं मम्मा ये आप किस तरह की बातें करते हैं, कि ये कहते हैं बच्चे, मेरे बच्चे भी इसी तरह ही कहते हैं, लेकिन ये कि कल को रात को हम जरा शक्ल मुगल लगा रहे थे बच्चों के साथ ना, तो अपने अपने दिल की बात पूछ रहे थे, सभी बता रहे थे अपना अपना ना। तो अल्लाह पाक मेरी प्यारी फैमिली को हमेशा खुश पात रखे, नदी बाबा अल्लाह पाक आपकी जोड़ी को भी सलामत रखे, आपका साया आपके बच्चों पर सलामत रखे, सब माँ बाप का साया बच्चों पर सलामत रखे अल्लाह पाक, ना बच्चों के कुछ करे ना माँ बाप को कुछ करे अल्लाह पाक, सबको सलामत रखे और ज़िंदगी में खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कराते रहे। मेरी प्यारी प्यारी फैमिली ने ना नादिया बाबा ने बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं, बहुत सारा प्यार दिया हुआ है माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसी तरह मेरी प्यारी भाई को भी सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक आपकी जोड़ी सलामत रखे। थैंक यू बहुत शुक्रिया जी, लव यू हो गया आपके लिए बहुत सारा। और मेरी प्यारी अपना पीने कमेंट किया हुआ, अल्लाह पाक आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद रखे, मुस्कराता रखे। थैंक यू मेरी प्यारी पसंद आप ही, लव यू हो गया आपके लिए बहुत सारा। शादिया समय का कमेंट आ रहा है, शादिया समय कहते हैं कि आप भी आप किस तरह की बातें करते हैं, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, आपकी दो जोड़ी को सलामत रखे। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया, प्यारी फैमिली की प्यारी प्यारी दुआएँ हैं, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और मोहब्बत का। नादिया आबिद का भी यहाँ पे कमेंट आया था, आप ही इस तरह की बातें ना किया करें दुनिया से जाने की, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपकी फैमिली एक दूसरे के साथ हमेशा खुश आबाद हंसता मुस्कराता रहे। थैंक यू नादिया, नादिया बाबा जी आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, और थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहना। और नादिया आबिद हनीफ माशाल्लाह एक और नादिया आ गई है मेरी प्यारी सिस्टर, अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश आबादा और मुस्कराता रखे। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का और आपके प्यार का। अंजुम अहमद मेरी प्यारी बहन कहती है लव यू आपकी, आपकी आप बहुत अच्छी हैं और बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आप कपल का ऐसे ही प्यार रहे, बच्चों के साथ सलामत रहे, आमीन। थैंक यू अंजुम अहमद, थैंक यू मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबादा और मुस्कराता रखे। थैंक यू सो मच। सुलमान अहमद का कमेंट आया, जिला पाक आपकी फैमिली को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे और आप यहाँ बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, आपके लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो सुलमान अहमद आपके प्यार का और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इकरा डोल का कमेंट आया था, कह रही थी कि अभी मैंने आपसे इस्तखारा करवाया था। इकरा डोल हाँ जी करवाया था, आपने मुझे नाम भी बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपके क्या होना, मुझे आपने प्रॉपर अभी नाम नहीं बताया अपना और अपने हस्बैंड का, आप मुझे बताने वाली थी कुछ तो आपने मुझे बताया नहीं, सिर्फ आपने क्वेश्चन किया है, तो अभी बता दें कि मतलब कि क्या हुआ है या होने वाला है, क्या गुड न्यूज़ है। और माशाल्लाह थैंक यू बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है ये, आपका प्यार है कि आप दुआ में याद रखती हैं हमें, हमारे लिए खुश होती हैं और हमारे लिए दुआएँ करती हैं। थैंक यू बहुत शुक्रिया। रमज़ान खान का कमेंट आया था, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, नजर बस से बचाए। थैंक यू बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहना, जाना तो ये कहती कि अब सदका दें, सब बच्चों का दें, अपना भी दे दिया था मेरी प्यारी शहजादी, उन्होंने सदका भी दिया था, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा बेहतर कर्म करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपनी जुम्मन में रखे। मेरी प्यारी बहना बड़े प्यारे कमेंट्स करती है, कुकिंग में भी बड़े प्यारे कमेंट्स करती है। उज़मा चौधरी का कमेंट आया था, हमें आपके भी लोग का इंतज़ार होता है जी जी, मेरी प्यारी सिस्टर का काफ़ी देर पहले मुझे इन्होंने बोला हुआ था कि मतलब कि ना आसफा मुझे ना आलू मेथी की रेसिपी बता दें, तो आजकल बड़ी प्यारी सी मेथी आई हुई है, खुशबू वाली फ्रेश वाली मेथी आई हुई है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ आज मेरा दिल कर रहा कि मैं आलू मेथी बनाऊँ, क्योंकि चिकन मेरा भी दिल नहीं कर रहा खाने को बार बार डेली चिकन, तो मतलब कि चिकन वैसे मैंने मंगवा ली है लेकिन आलू मेथी भी मैंने मंगवा ली है। मैंने लड़के को कॉल की थी जाती हुए ना, जो मतलब कामना की शॉप पे लड़का होता है ना, उसको मैंने बोला था जाते हुए ना आपने आलू मेथी लेके जानी है, आज मैंने आलू मेथी बनानी है, तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आपके साथ, मज़ेदार सी रेसिपी होगी। और वैसे भी आजकल मौसम है, आलू गोभी के साथ आलू मेथी के साथ परांठे का भी बड़ा मज़ा आता है, तो मैं इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी, इंशाल्लाह उसका परांठा भी बनाऊँगी
और आलू मेथी भी इन शाला उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। उसकी रेसिपी आपने देखनी है आसिफा कुकिंग रेसिपीज़ में। और मैं अभी घर पर कॉल करके पूछूँ कि बच्चों का क्या हाल है और कामन का क्या हाल है, तभी आपसे मिलती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे कमेंट आया था अमरीन का, अमरीन शहजादी का, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, दुआई करती है, खुश होती है, अल्लाह पाक आपको ऐसे हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मेरी प्यारी यती है कि कमेंट्स आया कि अल्लाह पाक आपकी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको हंसता और मुस्कुराता रखे, खुश रहें, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जी काफ़ी टाइम हो गया और मतलब कि मैंने कामन की सारे मेरी बात हुई थी, मैं बिज़ी थी, तब मुझे कामन की कॉल आई, मैंने कहा मैं फ्री होकर आपसे बात करूँगी, तो फिर मैं फिशर करना शुरू हो गई, तो मैंने जब फारग हुई तो मैंने कहा जब बात करती हूँ, कह रहे हैं कि मतलब कि मैं आऊँ लेने के लिए, मैं कह रही मैंने मुन्ने भाई को कॉल कर दिया है, वो मुझे छोड़ के गए थे, वो मुझे लेने भी आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले छोटी सिस्टर भी आई हुई थी यहाँ पे काम, आईब्रो वगैरह करवाने के लिए, वो की मैंने उसकी, तो मुन्ना भाई कह रहे जब जाना होगा तो आपने मुझे कॉल कर देनी है, मैं आके ले जाऊँगा। तो बस जनाब की मुझे मुन्ना भाई की भी कॉल आई हुई थी कि मैं आप ही आऊँ लेने के लिए, तो मैंने कहा आप आ जाओ, तो इंशाल्लाह जाके मिलते हैं बच्चों के साथ, कामरन के साथ, फिर आपको मिलवाते हैं, तो अल्लाह खैर करे जाके जो भी एक्टिविटी होगी आपके साथ शेयर करेंगे घर जाके। हाँ जी, यहाँ पे जी मुन्ना भाई आ गए हैं और मुझे पहले कॉल की थी मैं आ जाऊँ, मैंने कहा अभी थोड़ी देर तक भी मेरे पास कस्टमर थे, मैंने कहा फ्री होके भी जाऊँगी। चलो हाँ जी, जलेबी दिखाइए गरम गरम। हाँ जी देखिए जी मुन्ना भाई स्पेशल करवा लें, ब्रीक ब्रीक। हाँ ये बहुत मज़ेदार है, क्रिस्पी क्रिस्पी। अरे जी हमने सलून कर दिया क्लोज और मैं जा रही हूँ बाजार, इतनी बदलगी थी हमारा मुन्ने भाई के साथ, हम जा रहे हैं और आप बाजार की थोड़ी सी सैर भी करवा देते हैं। देखा मुन्ने की सर पीते जी फ्रेंड, यहाँ से हम लेने आ गया जलेबी और ये देखिए जी गर्मा गर्म जलेबी, मैं कहा चले हम जलेबी लेते हैं बच्चों के लिए गर्म गर्म मुन्ना भाई के साथ। मैंने कहा कि यहाँ पे अच्छी जलेबी बनती है और है भी क्रिस्पी क्रिस्पी है सर्दियों के मौसम में, यहाँ पे जी मज़ेदार सी जलेबी हो रही है डैडी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है काका? ये मम्मा वाले गई क्या जलेबी? जलेबी जलेबी भाई किधर पापा अंदर? चलो जी उनके अंदर रुक जाते, देखते हैं हीरो साहब क्या कर रहे हैं। ये देखिए जिनके लिए मैं ले गई गर्मा गर्म जलेबी, ये जो है ना अंदर बैठे हैं ना बच्चे छोटे बड़े हैप्पी हो जाएंगे, चलते हैं रूम में। मैं सच्ची जावा, मैं वारी जावा, कितने कितने जावा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हीरे साहब? मैं सदगी जावा, आई मिस यू जान, आई लव यू, बड़ा मिस करी थी आपको ना। अच्छा काम तो करी थी मैं कि देखे किसी की प्लगी ना खराब हुई है। ये देखे मुन्ना भाई ले गया था जलेबी है, मैंने टेस्ट की, मैंने कहा अच्छी लगी मज़ेदार, घर के लिए भी लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जी मेरे प्यारे बच्चे शहजादे सुबहान अजान रेहान खाओ जलेबी यार, बाही इतनी सर्दी है गर्मी तो नहीं लगती, क्या हाल है हीरो साहब? मेडिसिन खाई कुछ? खाया चाय पी? जलेबी तो खाई तुम, मैं कहीं कुछ ना कुछ बना अपने आप, चाय चूह तो बंदा बनाता है, दवाई शाही खाँदा कोई सिरप पीता है, मज़ेदार है। सुबहान सुबहान की पसंद है ना, सुबहान की फेवरेट ये जो जलेबी। चले जी आप भी आ जाए हमारे साथ फैमिली के साथ। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आशिकी है, तू
मेरी जिंदगी है, आसफा मेरी जिंदगी है। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी। आ देखो जी, मैं थोड़े लिए कितने खूबसूरत गुलदस्ता ही दिता है, काफी देर का ना। मेरी प्यारी बहन है उज़मा चौधरी, उसका बड़ा कमेंट था, बड़ी देर पहले की बात है, मुझे याद आएगी जो ये कमेंट मुझे भूला नहीं। तो उन्होंने कहा था कि आलू अभी आलू मेथी की रेसिपी है, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह से ना मैं ना इसके पत्ते डाल रही हूँ, पत्ते जो इसके डंडल है ना, डंडी डनी वो नहीं मैं डाल रही हूँ, ऐसे पत्ते पत्ते डाल रही हूँ इसके ना। और साढ़े इलाके दिया बहुत अच्छी, बहुत ही ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश है। तो आ जा, मूली वाले पराठे कर खाने नहीं? मेथी कोई गल नहीं, मीठे हैं ये भी हमारे जो है ना शक्करगढ़ के इलाके के हैं। सब्जी हमारे बड़ी मजेदार सब्जी है, साडा इलाका देहाती है, फ्रेश फ्रेश सब्जियां नहीं है, बहुत मजेदार। इसके डंडे मैंने सारे उतार दिए, देखे शेर, इसके जो पत्ते पत्ते हैं ना मैंने वही डाले हैं। सही है, इस तरह थोड़ी सी इसकी मेहनत होती है जरा, क्योंकि मेहनत होती है इसको बनाने की, तो फिर इसको कटिंग करने की, इसको पकाने की। तो मेथी की रेसिपी मैं नहीं देखी आसपास किस तरह बनती है, आज आप भी देख लेना, बड़ी मजेदार बनती है मेथी। बस इसको थोड़ा सा टाइम लगता है सब्जी बनाने में, और खाने में आसानी से खाई जाती है। आलू मेथी का पराठा बड़ा मजेदार बनता है, और आलू मेथी के साथ रोटी बड़ी मजेदार लगती है। कुछ लोग घी लगा के खाते हैं चोपर चुपर चोपर चापर के, तो कुछ लोग ऐसे ही। चोपड़े मुझे पराठा पसंद है या सादी रोटी? मुझे भी देसी घी नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, ऐसे लोग खाते हैं सादे मजे मजे से खाते हैं। तो बस इसको मजेदार हम कटिंग शटिंग करके बना लेते हैं, तो फिर इसको अच्छे से करेंगे वॉश, इसको बनाएंगे फिर इंजॉय करेंगे। चलो जी, कट कट के छुरी कैंची मेरी जान ने दे एक ही जगह हाथ मार मार के ना। वो पता क्या, यहाँ पे इसलिए ब्लेंड आया, क्योंकि आपको पता है जब मैं आलू मेथी बनाऊँ ना तो बड़ी 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 कटिंग करनी होती है, छोटी छोटी उनमें कटना नहीं, मैं मोटी नहीं करानी, मैं बरीक ही कटांगा। नहीं तो फिर रहने दो, मुझे मोटी नहीं पसंद, बड़ी बड़ी पसंद है, पतली पतली पसंद है। मेथी इधर किधर आ गई? मैं रूम में बैठ गई, मैंने कहा बाई सर्दी है तो मुझे पता काम ना, मुझे बाहर बैठने में नहीं देना था। मेरे यहाँ से बोला कि मुझे इधर ला दे, तो मैं अंदर बैठ के ना सब्जी बना ली, कम्बल चाड़ लांगे कोई बात नहीं। हाँ अंदर तो सारे सारा कुछ यार, मेरी गल सुन ना, सनी प्रेसर ला लेना पहले, बैड ही लगा रही कुछ ज्यादा, मैं अभी इतिहास से करूंगी ना। फिर वो पता क्या है, जो मजेदार ऐसे ना बैंड लगा के भी मजा नहीं आना, तो वो जो मैंने कटिंग करनी है आपने ना इस तरह की कटिंग नहीं करनी जो मैंने करनी है। देख कितनी बड़ी कटिंग की है, एक मशीन भी होती है, मशीन की कितनी देर रोज पकानी है, लेकिन लेकिन होनी चाहिए मेरे साग कटने वाली मशीन, साग भी बनाना किसी दिन यार, आज आलू मेथी बनाई है, बनाया बनाया मिल जाएगा। अब भी अब सब्जी कुछ ना सब्जी बनाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं ना खाते, हम तो खा लेते हैं। खूबसूरत बड़ी लग रही है ऐसा। हाँ तो देखिए मैं देना था उसे सुबह से लेके शाम तक, हूँ देखे ना इसलिए सारा दिन ना देखिया,
दो दिन कस्टमर ऐसे आए उन्होंने पूछा आपका ना आज भाई नहीं नजर आ रहे तो मैंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है वो घर रहे मैंने कहा वो रेस्ट करें क्योंकि खांसी होती है उनको बाहर निकल के जब तो मैं नहीं चाहती कि उनको खांसी हो मैं कहती बस जल्दी जी ठीक बाहर जो दुकान देते बाजार जाओ ना तो डस्ट नाल ना जब मतलब कि कामरान ने बोलते हैं ना कि कानों को खांसी स्टार्ट हो जाती है मैं कहा बोलो भी ना भाई चुप ही रहो बस मेरी गला करो फिर यही बात है बस यहाँ पे ना जो मेथी है ना इसी तरह मैं आराम से पकड़ लेती हूँ इसको तो इसको थोड़ी सेटमेंट कर लेती हूँ जो इसके पत्ते सीधे पुधरे करके तो जो ऊपर नीचे करके सेटिंग करके ना ये सारे पत्ते ही हैं हमारे यहाँ पे ना बड़ी साफ़ सुथरी मेथी होती है बिल्कुल साफ बस इसके जो डंडली है शंडली है ना ये मैं नहीं डालूँगी सिर्फ इसके जो पत्ते पत्ते हैं ना वो डालूँगी इस तरह बना के और इतनी खुशबू आ रही है मेथी की आपको पता है मेथी ये बड़ी क्या कहते हैं अगर किसी को ना इसकी असलियत का पता हो ना इसके फायदे का पता हो तो कह रहे हैं कि सोने ने पा रखी है अच्छा हाँ जी ना दसी वे तेरी मेहरबानी सोना ने हाथ हो जाएगा आलू मेथी मैं मेथी पकाना शुरू कर दी थी महंगी हो जाएंगी नहीं नहीं ना ना एडी महंगी नहीं ऐसी करनी सोने के भाव नहीं बेचनी ऐसी मतलब कि इसके इतने फायदे हैं ये स्किन के लिए इतनी अच्छी है और मैं क्या क्या फायदे आपको बताऊं इसके इतने फायदे हैं ना ना दसी सोने के भाव हो जाएगी फायदा कोई नहीं मैं सच बता रही हूँ मतलब कि इसके फायदे अच्छा, इतने ज्यादा किन्ने गल की थी कि जैसे लोगों को पता लग गया सोने के भाव नहीं ये किसी ने नहीं ये बात है बड़ों की बात है ये अच्छा सोशल मीडिया का दौरा वायरल कर दें मैंने जो शुरू चीज कर दी ना पकाना तो महंगी हो अच्छा चलो सोने के भाव करो ना दसो की फायदा की है ये स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती है ये जूलिए के लिए बड़ी अच्छी है ये स्किन के जो मतलब बूढ़ा हो रहा है ना बूढ़ा हो रहा है इसके जूलिए पा रही है स्किन के ऊपर ना छाइयाँ बन रही हैं वो मेथी शुरू कर दी खानी तो मेथी के बना के ना इसको बॉइल करके इसको ग्राइंड करके इसकी फिर थोड़ी सी हल्दी डाल के तो इसको फेस पे ना इसका लेप लगाने से ये स्किन के जो डार्क सर्कल होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं ठीक है मेथी खाने के भी बड़े फ़ायदे हैं इसके साथ ना जो हमें भूख नहीं लगती हमारी जो मेरे की जो तजाबियत है वो दूर करती है और बस चांदी का रेट रहने हूं बहुत ज्यादा बहुत तो फायदे दसे तो फिटनेस के लिए बड़ी अच्छी है बंदा इससे बंदा फिट और स्मार्ट रहता है जो खाता है यार मैं खाती नहीं ना इसलिए मोटी हूँ अगर मैं ये खानी शुरू कर दूँ ना मैं पतली हो जाऊँ नहीं तो इसका पानी ग्राइंड करके पीऊँ तो मैं मेरी बैली के लिए मेथी रह गई है दुनिया से और थोड़ी चीजा ने तुरंत बस ठीक है नहीं फायदे बड़े बड़े फायदे नहीं अज तक दिन खान दे अज जिन्हें खा लेंगे अज तक फायदे होंगे बस और इसके मजेदार ही बड़ी बनती है ये अच्छा हाँ मेरे मुंह में पानी आ रहा है चलो खा के देखा गे फिर ठीक है यहाँ पे जी जो ना मेथी को मैंने कर लिया वॉश खुले पानी में ये दूसरा पानी मैंने ले लिया पहले एक ही आया था अब दूसरा भी कर रही हूँ इसी तरह ना यहाँ पे डालेंगे यहाँ से निकालेंगे तो फिर तीसरी दफ़ा भी पानी छान लेंगे क्योंकि पालक के पता आलू मेथी जो मेथी होती है ना ये मिट्टी के अंदर ही होती है तो फिर ये बड़ी इसकी मिट्टी लगी होती है इसलिए ये आसान तरीका है इसी तरह आपने इसको छान लेना दो तीन पानी के अंदर इसका पानी ये रिमूव कर देंगे दोबारा डालेंगे इसी तरह से निकलना है ना आसान तरीका ये जी चले अब दोबारा पानी चेंज करते हैं तो फिर इसके अंदर दोबारा से वॉश करते हैं तीसरी दफ़ा यहाँ पे जी मसाला वगैरह रेडी कर लेती हूँ यहाँ पे जी पानी को हमने फिर से इस तरह कर लिया इसी तरह से ना यहाँ पे जनाब काम है ना कोई मुश्किल काम तो नहीं है आसान ही है ना बहुत आसान है सर आलू धो तो आलू आसान है आलू बहुत मुश्किल है अच्छा नहीं नहीं अच्छी पहले आया पानी है मेथी यहाँ पे ये देखे जी ऐसे ही है यार। ये इसके अंदर ना काफी कीड़क होती है मिट्टी अब वो नहीं होगी
ठीक है, तो मैं बस इन करांगी, तो मसाला रेडी करांगी, तो फिर धोने में सोने जाने नवे आलू सोने करके। ठीक है, ये देखिए सब्जियां नहीं बन गई, सब्जियां बन गई लेकिन ये मजा भी तो इसका आता है फिर जब परांठा खाते हैं तो। अभी जी नाम इजी है। हाँ जी बहुत इजी है। ये देखिए जी आपको बता दिया, आप भी इस तरह कर लिया करे। ये जी तीसरी दफा किया मैंने, तीन दफा कर लिया। अब ये इसके अंदर किड़क भी होगी, मिट्टी भी होगी, कम होगी ज़्यादा, जो मैंने दो तीसरा पानी है ये। चलिए इसको रिमूव करते हैं और इसको हम काम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी ना, काफ़ी टाइम हो गया। इधर आते नवे नवे आलू ने, आलू तो जरूरी नहीं है ना, तो ना छिलना नहीं आता, छिलने की जरूरत नहीं, छिलता ही होता है नरम है, ये बड़े नरम ने, ऐसे ही है, ऐसे हो जाएंगे। खुशबू ही आती बड़ी है आलू। ये देखो इसी तरह, ये देखिए मैंने हाथ से रखी ऐसे, इसको मैं करती हूँ आराम से, आपके साथ जल्दी हो जाएगा, ऐसे ऐसे करने हैं इसको, बड़ी खुशबू आ रही है यार, ये रेडी नहीं हुई मगर ये गल है वाह सुबह अगर मेरे पास होती तो मैं आपको भेज देती पैक करके, सुबह आपने बनानी है, ट्राई करनी है, फिर आपने मुझे बताना कैसी लगी। काफी देर पहले डिमांड की थी। हाँ, बहुत देर पहले की डिमांड है, लेकिन मुझे याद था ना। यहाँ पे जी मैंने बने बनाई है रोटी, सादी रोटी बनाई है, फिर मैंने ना यहाँ के लिए बनाया परांठा, आयल लगा, मैं कह रहा घी नहीं लगाया हुआ, आयल के ही बनाया मैंने ना, बस मेरा खाना भी हो गया यहाँ पे रेडी, तो बस जी जिसने खाना है तो मोस्ट वेलकम आ जाए, गर्मा गर्म खाना है रेडी। लो जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बच्चे मगर पैदा इसी परांठा खाना है, ते आसवा आलू मेथी बहुत मज़ेदार बना रही है, और वो नाल परांठे, और माशाल्लाह जी बहुत बहुत खुशबू आ रही है, मैं तो सिंपल रोटी खावांगा वैसे। मैंने सादी रोटी बना रही है। हाँ जी, ते बच्चे बच्चे आ के परांठे चलो खान, कोई गल नहीं, बच्चा नु जरूरी है खाना पीना चाहिए, जो दिल करे ते खान। ना खाए नहीं रे, कितने दिन हो गए रोटी ते खाते नहीं है वो। और माशाल्लाह बहुत 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 सब्जी बनती है, साढ़े घर कम है मगर आस पास जो बनाई है ना, तो मैं कहना सारिया कसरा बाहर कट दी है, मैं कहना मजा ही आ जाता, बस फिर हूँ गल है कि बुखार हूँ आते जाते रहते जलेबियां भी वावी खा लिया सी यार, है मैं तो मैं भूल गया सी कि जलेबियां आसपास लेके आई, तो काफी खा ली है जलेबी, मैं कहा जलेबी भी खा लेते हैं ना तो बस यहां पे जी मैंने परांठे भी दो चार बना लिए बच्चों के लिए ना, जो इनका दिल करेगा तो रोटी भी बना ली है, बस बच्चा ने आलू मेथी नाल परांठे बड़े मजा खा ले, खा लेंगे यहां सुबह आना है तो वो तुझे मिलने का है। बहुत मज़ेदार बड़ी खुशबू आ रही है, और आलू मेथी या ऐसी ऐसी सब्जियां होंगी कि बहुत हमें टाइम ही नहीं लगता, फिर आपको पता ना पार्लर से आके तो फिर सब्जी बनानी, कटिंग की थी चार चार बारी उन्होंने वाश किया पानी से, फिर आलू छिल के आलू की कटिंग, फिर भुनना, फिर छोटा मज़ा भी आता है, लेकिन ये कि मेरे पास हमारे पास टाइम ही ना होता, हमारे पास फिश और चिकन का बहुत टाइम है, जल्दी भी बना लो खा लो। हाँ जी, लेकिन ये कि सब्जी का बहुत मजा आता है, मुझे सब्जी बहुत पसंद है यार, सुबह बीफ ना लेके आइए, संडे है
सुबह सुबह लगा देने ते अच्छा अच्छा अपनी मर्जी का बंदा ले के आंदा है। चलांगे भी यार सुबह मैं पे ऐसे मैं पराठे बन रही है पूरी नहीं बन रही। हां हां इसका की लग रहा है खुशबू भी उसी तरह की आ रही है। बहुत जबरदस्त वाकई पूरी ऐसे पराठे हैं वाकई यार। दो दिन ना वाइट आटा नहीं हमें सही मिला। आटा सही नहीं था आज ने हनुमक बोला मैंने कहा शॉप चेंज करो अब किसी और शॉप से लेके आओ। तो वो फिर से शॉप चेंज किया तो अच्छी भी और लेके आए सी मैं कहा आज काम में रोटी भी मजे के साथ खाएंगे वाइट आटे। हाँ जी बिल्कुल लो जी मेरे ख्याल से हो गया डन ते टेस्ट करके दसते हैं फिर। यहाँ पे जी हमारा खाना हो गया रेडी। मैंने रोटी भी बना ली है साथ में मैंने परांठे भी बना लिए। तो ये पराठा टेस्ट करोगे रोटी? मैं रोटी ठीक है भी मजेदार है वैसे। हाँ मैं कि बच्चे खा लेंगे बच्चे ने मुझे पता वो भी नखरे खा रहे हैं अभी कहते खानी अभी कहते नहीं खानी। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से खाना तो हमारा रेडी है बहुत मजेदार माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आ जाओ बेटा आर्यन रोटी भी है परांठा भी है और वैसे मैं परांठे के साथ टेस्ट करके आपको बताती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए कितने सॉफ्ट और मज़ेदार सी हमारी आलू मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह मज़ेदार। आ जाओ यहाँ बेटा मम्मा साथ आ गया काका वो लेट के सो गया बारे चपली के बाप पापा बनाएंगे ना अगर हम कल उठ के बीफ लेके आएंगे ना फिर बनाएंगे। यहाँ पे ना माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है खाना खाने का ना हसबान यमी यमी पसंद आई है सब्जी पसंद आई है आलू खा रहे अभी साथ में मेथी भी लो सारा कुछ लो मिक्स करके ना परांठे के साथ रोटी के साथ ना फिर मज़ा आता है ठीक है। इस तरह मज़ा नहीं आता ठीक है हर चीज़ चेक करते हैं। तो जी फ्रेंड्स सबने खाना खा लिया रिहान सोया तो उसने नहीं खाया तो अब जी यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ चाय और जी जिसने पीनी है तो मुझे जल्दी से बता दे मैं साथ में उनके लिए भी चाय बना देती हूँ। यहाँ पे बच्चे कहते हमने नहीं पीनी मैंने पीनी है और कामरान ने पीनी है तो बस मज़ेदार सी चाय रेडी करते हैं पीते हैं बनाते हैं और अंदर जाते हैं स्कूल के साथ। माशाल्लाह से खाना बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बना बहुत मज़ा आया तो बस अब मज़ेदार से कड़क सी चाय हो जाए तो फिर और मज़ा आ जाएगा। बाहर इतनी सर्दी है मैं आपको क्या बताऊँ बस जल्दी से चाय डन करते हैं। चलिए जी फ्रेंड्स मेरी चाय की स्पीड चेक करें नमक भी डाल दिया चीनी भी छोड़ देती पत्ती भी छोड़ देती बस फुल तेज आंच कर दी जल्दी जल्दी से चाय हो जानी है रेडी। जब इस सुबह के सीधे सीधे डाल लेते हैं और चाय हमारी जल्दी जल्दी रेडी हो जानी है स्पीड के साथ बड़े बड़े दो मग चाय के यहाँ पे डाल लेंगे चाय पियेंगे और इंजॉय करेंगे। यहाँ पे जी चाय हो गई है हमारी कड़क कड़क सी रेडी हो गई है देख सकते हैं आप। आने वाली थी बाही और कामना की उम्मीदों पर पीने वाला था पानी लेकिन मैंने बचा ली। आज पता क्या आज दूध का बॉयल किया था कामरान ने तो कामरा ने क्या किया जनाब ने उसके अंदर ना उसके ऊपर दे दिया ढक्कन तो जो आनी थी ना बलाई सिलाई जो आनी थी वो नहीं आई जो मतलब कि बलाई सिलाई आनी थी ना दूध के अंदर वो थोड़ी आई है ज़्यादा नहीं आई इसलिए ज़्यादा नहीं आई क्योंकि कामरा ने ऊपर ना दूध का ना ढक्कन बंद कर दिया हुआ था सिर ऊपर ना छानी जो होती है टोकरी वगैरह वो नहीं थी इसीलिए ना जो मलाई नहीं आई। चले जी हम इसी तरह डाल लेते हैं ये छाननी नहीं कामरान ने छान के नहीं पीनी ऊपर ऊपर से जल्दी से डाल लेते हैं थोड़ी देर के तक ताकि वो ऊपर से ज़रा मलाई मलाई चाय होती है इसलिए। ये है जनाब आपकी चाय सिर्फ आपका नुकसान एक हुआ है मलाई का दूध के ऊपर जो मोटी मोटी मलाई आनी थी ना वो नहीं आई तो मैं ही नहीं क्योंकि आपने उसके ऊपर फुल ढक दिया था उसको छान चाबी के साथ ढकते ना गलतियाँ भी तो फिर हो ही जाती हैं इंसान लेना कोई बिस्किट केक रस वगैरह नहीं यार चाय पीनी है हाँ जी चाय पीते हैं। वो देखो वहाँ पे क्या वो एक टिंगू वहाँ पे लेट गया
सर्दी है ना बाहर, देखिए यहाँ पे लेट रही है अपनी तैयारी कर रही है धोने की। और यहाँ पे जी हम पीने वाले हैं चाय, मैंने सुबह की चाय नहीं पी आज, मैं पी के गई थी, मैं अपनी जान को बड़ा मिस किया, फिर मैंने और मुन्ने ने पी ली दोनों ने। यहाँ पे जी मुझे कमेंट आ गया आज काफ़ी दिनों के बाद अली द हीरो का कमेंट आ गया मेरी प्यारी सिस्टर का। तो जी अली शहजादे बच्चे कैसे हो आप, और मेरी प्यारी सिस्टर आप कैसी हैं? तो माशाल्लाह से बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं। जो मैंने शार्ट लगाई थी वीडियो सौंप की आपके लिए लगाई थी, आपने देखी अच्छी लगी आपको, जो कामरा ने मज़ेदार से प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनाए आपको सभी ने, है ना। जो अली द हीरो ने भी वहाँ पे छोटी शॉर्ट वीडियो पे लाइक किए हुए हैं, और मेरी प्यारी फैमिली ने बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हुए हैं, अतिया ने भी किए हुए हैं, नादिया बाबा ने भी किए हुए हैं, बुशरा अदरा ने भी किए हुए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी फैमिली है, बहुत प्यारे कमेंट्स हैं, बहुत सारा प्यार है माशाल्लाह। और अली द हीरो क्या हाल है बच्चे, आपकी तबीयत कैसी है? काफ़ी दिनों के बाद आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं माशाल्लाह, सारी फैमिली माशाल्लाह बहुत खुश होती है। शमैला मुजाहिद जो आपके सॉन्ग बड़े पसंद करती है कि मेरे शहजादे वीर है ना, सॉन्ग बड़े अच्छे सुनाते हैं। बस टूटे टूटे फाड़ लेने जेड़ा जुड़ जाता सुनाई ने सुनाते तो है ना, मेरे लिए सुनाते तो है ना, जिस तरह का मर्जी सुनाते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है और हमारी फैमिली को भी अच्छा लगता है। हम कौन से भी गुरुवार हैं, जिस तरह के भी आते हैं हम सुना देते हैं, अपनी फैमिली को खुश कर देते हैं। हम भी छोटी छोटी खुशियों से बड़ी बड़ी खुशियाँ कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, इंजॉय कर लेते हैं फैमिली अपनी। मरियम खान का कमेंट आया कि अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपकी वो हमेशा खुश और बादस्ता मुस्कराता रखे, अपनी फिल्मों मारने रखे। तो मैं आपकी काफ़ी दिनों के बाद आपका भी लोग देख रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ मैं काफ़ी दिनों से, हम बहुत परेशान हैं, अल्लाह पाक आपकी परेशानी दूर करे। मेरी प्यारी सिस्टर का कोई भी परेशानी है तो अल्लाह पाक दूर करे, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और बादस्ता मुस्कराता रखे। फलाह इमरान मेरी प्यारी सिस्टर, मेरी प्यारी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारे कमेंट्स करती है, डेली व्लॉग देखती हैं और डेली प्यार करती हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया। और मेरी प्यारी सिस्टर अंबर माशाल्लाह, मेरी प्यारी सिस्टर बहुत प्यारे कमेंट्स करती है, डेली व्लॉग देखती है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करती है, खुश होती है, कहती है अल्लाह पाक मेरी प्यारी आप भी को हमेशा हंसता और मुस्कराता रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और शारजा समी का कमेंट आया, अल्लाह पाक आपको दोनों को कपल को हंसता और मुस्कराता इसी तरह हंसता हंसाता रखे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। थैंक यू मेरी प्यारी शारजा समी का कमेंट आया, माशाल्लाह जी अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और बादस्ता मुस्कराता रखे। तो मेरी प्यारी सिया मिर्ज़ा, अल्लाह पाक आपको भी जल्दी जल्दी सेहत याब कर दे, आमीन। खुश रहें, आबाद रहें, हंसती रहें, मुस्कराती रहें। और मेरी प्यारी फैमिली के लिए लव यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक सबको अपनी फिज़ोमान में रखे, बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शफा दे। तो जो मेरी आज की अगर आपको एक्टिविटी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को मेरे कहने पर नहीं, सुबह के कहने पर जल्दी से लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बस क्योंकि मुझे बहुत मना जो फिर बस आती रहे। और सुभान माशाल्लाह ठीक है ना सुभान, बस खांसी होती है। हाँ बस खांसी होती है अभी ना, अभी सही से ठीक नहीं हुआ, अभी हो जाएगा। अभी कामरा को भी खांसी है, सच में खांसी है, प्रॉब्लम है। तो बस मुझे नहीं खांसी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मैं बची हूँ, परहेज भी नहीं कर रही, वैसे मैं सब कुछ खा पी रही हूँ। तो बस ये अल्लाह 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 की तरफ से है कि मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए सभी दुआ करते हैं, तो मैं इसलिए अच्छी अच्छी रहती हूँ आपके लिए, मुझे प्यार करते हैं आप सब, अच्छा लगता है। इंशाल्लाह सुबह ने गुड मॉर्निंग के साथ, सुबह ने व्लॉग के साथ, प्यारी सी फैमिली के साथ प्यारी प्यारी बातें करेंगे, प्यारे प्यारे व्लॉग बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय मेरी प्यारी फैमिली, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें।